ये बहुत मामूली सी चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसी चीजें हो रही हैं। अभी मैं अपना दाखला देता हूँ। मैं जब बीएसएफ में था और एक कार्यक्रम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यक्रम में मुझे अहमदाबाद जाना था, गांधीनगर। लौटते समय फ्लाइट थी रात में 9 बजे। मैं फ्लाइट में मैंने बोर्ड किया, मेरे को मैसेज आया कि आपका आधार और ऑथेंटिकेशन हो गया है एंड दिस इज दी कोड। एक के बाद 4-5 मैसेज आए। मैं चेक कर कि मेरा आधार तो मैंने कहीं यूज ही नहीं किया, कोई ऑथेंटिकेशन के मैसेज कैसे आ। मैं पुलिस में, उस वक्त दिल्ली पुलिस में नहीं था। इमीडिएटली आई कॉन्टेक्टेड माई ऑफिसर, उसने यहाँ साईपैड में कॉन्टेक्ट किया और उसको अकाउंट को ब्लॉक कराया। फॉर्चुनेटली वो उस 1 घंटे के पीरियड में उन्होंने 20-40 हजार रुपये 10-10 हजार करके निकाल दिए। मुझे अमाउंट बड़ा नहीं है क्योंकि मैं एक पोजिशन पर, तो मुझे इतना अफसोस नहीं हो रहा था, लेकिन कोई गरीब आदमी है तो उसका तो पूरा लुट जाता है। वो फिर उस केस का इन्वेस्टिगेशन कराया पीछे पड़ के, और फॉर्चुनेटली उसमें लिंक निकला आपका गोरखपुर का, डाल्टनगंज का और नेपाल का। फिर मैंने पता किया कि हुआ कैसे। मेरा आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट मैंने कहीं दी नहीं है, तो वो ऑथेंटिकेशन कैसे हुआ। पता चला कि इन्होंने लैंड रिकॉर्ड से कोई रजिस्ट्री के कागज में मेरा फिंगरप्रिंट था पुराना, उसको पार किया, उसको फोटोग्राफ ली और बहुत ही फाइन पेपर पर उसको प्रिंट किया और आधार को ऑथेंटिकेट करके इस तरह की हरकत। आप समझ सकते हैं कि लोगों का दिमाग कितना तेज चलता है। और जिन लोगों को हम लोगों ने, हमने तो नहीं बट यूपी पुलिस ने, गोरखपुर पुलिस ने पकड़ा, उनके पास से कम 1500 लोगों का इस तरह से इन्होंने कार्यक्रम किया था और करोड़ों रुपए निकाल के नेपाल भेज दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं। अब जो पकड़े गए लोग वो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जनरल नॉर्मल सिटीजन। तो मैं ये दाखला इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज ऐसी है जो किसी को भी हिट कर सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे इस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सीनियर सिटीजन को स्मार्ट सीनियर सिटीजन बनाने की कोशिश शुरू हुई है। मैं खुद सीनियर हो गया हूँ, इसलिए मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ। व्यक्ति जब सीनियर हो जाता है, रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर आप अकेले रहते हैं तो आपके बच्चे बाहर हैं तो कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आप उनको गिफ्ट भेजते हैं, वट एवर। आपको ये जानकारी हमें बहुत जरूरी है कि आप अपनी चीजों को कैसे हैंडल। मैं फिर एक दाखला देना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं रिटायर होने वाला था तो मेरे पेंशन पेपर्स बन रहे थे। मैंने ये जो दाखला दिया फिंगरप्रिंट का, तो मुझे बहुत बड़ा शक था कि मेरे पेंशन पेपर में जो मेरा फिंगरप्रिंट लगे हैं उसको किसी ने उड़ाया। ये किसी के साथ भी संभव है। वीकली स्पीकिंग इस तरह के क्राइम को रोकना तभी संभव है जब हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो, जागरूक हो। पुलिस की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस है वो बहुत सक्षम पुलिस, हमारा कांस्टेबल हो या सीनियर अधिकारी हो, बहुत ज्यादा टैक्स सेवी। और ऐसे ही लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट करके ट्रेन करके साइबर पुलिस स्टेशन में रखा है ताकि आपकी समस्याओं को सुनकर इमीडिएटली टेक्निकली कॉम्पिटेंट वे में उसको हैंडल कर सके।